विराट ने इस खिलाड़ी के साथ किया दुश्मनों जैसा बर्ताव। अब सिलेक्टर बनते ही अजीत आगरकर ने टीम में दे दी है एंट्री। हेलो, मैं आपके साथ गरिमा और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। दरअसल भारतीय टीम इस समय वेस्टइंडीज दौरे पर है। इस दौरे पर भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैच, 3 वनडे और 2 T20 मैचों की सीरीज खेली जानी है। दौरे की शुरुआत टेस्ट सीरीज से होने जा रही है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच 12 जुलाई से 16 जुलाई तक डोमिनिका में विंडसर पार्क में खेला जाएगा। उम्मीद है कि इस मैच में किसी ऐसे खिलाड़ी को भारतीय टीम में जगह मिलेगी जिसके साथ आखिरी मैच करीब 2 साल पहले खेला गया था। आइए आपको बताते हैं कौन है ये खिलाड़ी। दरअसल यहाँ बात हो रही है युवा गेंदबाज नवदीप सैनी की। नवदीप सैनी को वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया में शामिल किया गया है। बता दें कि नवदीप सैनी पिछले 2 साल से टीम इंडिया से बाहर हैं। चोट लगने और कुछ समय तक टीम से बाहर रहने के कारण नवदीप सैनी के करियर पर ऐसा ब्रेक लगा कि अब वे 2 साल बाद वापस लौट रहे हैं। ऐसे में पूरी संभावना है कि नवदीप सैनी को भारत और वेस्टइंडीज के पहले टेस्ट में मौका मिलेगा। गौरतलब है कि सैनी ने साल 2019 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। नवदीप सैनी ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में भारत के लिए 2 टेस्ट मैच, 8 वनडे और 11 T20 मैच खेले हैं। उन्होंने टेस्ट मैचों में 4 वनडे में 6 और T20 में 13 विकेट लिए हैं। नवदीप ने अपना पहला इंटरनेशनल T20 मैच 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था। दिसंबर 2019 में उन्होंने इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट में भी डेब्यू किया था। वहीं साल 2021 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नवदीप सैनी को पहली बार भारत के लिए टेस्ट मैच खेलने का मौका दिया गया था। उन्होंने टीम इंडिया के लिए अपना आखिरी टेस्ट मैच 2 साल पहले श्रीलंका के खिलाफ खेला था। अब 2 साल बाद वो वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।